नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी। दोस्तों, आखिरकार लगातार आरोपों में घिरने के बाद सामने आए हैं जवाब के साथ दीपक चौरसिया। दोस्तों, याद होगा आपको कि कुछ दिन पहले ही आपको बताया था कि कैसे दीपक चौरसिया ने खुद के ही चैनल में शराब पीकर बुरी तरह से बह के और लड़खड़ाते जुबान से बुलेटिन किया था और उन पर बुलेटिन करने के आरोप भी लगे थे। मतलब क्या बोलो, देश के लिए बेहतर हो, देश के लिए जिन्होंने सब कुछ किया हो, देश के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी कमाई हो। अब जनरल बिपिन रावत की बात कर लें हम, तो जनरल बिपिन रावत की बात करते करते मेरे दिमाग से जितनी बार मैं उनसे मिला हूँ, उसका 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 जो सेंटिमेंट है ना, वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा। और मैं सिर्फ दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ कि हमने एक ऐसा जर्नलिस्ट खो दिया है जो थिंकिंग जनरल था, जो बहुत ज्यादा सोचता था, एक ऐसा जनरल था जो जिसको पता था ऑपरेशन डिटेल्स में कैसे एग्जीक्यूट करना हो। और इस हद तक उनके ऊपर आरोप लग रहे थे कि बकायदा उनके लाइव बुलेटिन में उनके ही चैनल में उनको हटा दिया गया था। और दोस्तों, इस हद तक उनके ऊपर आरोप लगे थे कि बकायदा उनके लाइव बुलेटिन में उनके चैनल ने उनको हटा दिया था और दूसरे एंकर को वहां बुला दिया था, उनको एंकरिंग करवानी पड़ी। दीपक चौरसिया ने शराब पीकर बुलेटिन की और ऐसे ही तमाम आरोप उन पर लग रहे थे, जिसकी सफाई देने के लिए खुद दीपक चौरसिया सामने आए हैं। और सुनिए उन्होंने क्या कहा। पिछले 3 दिन से आप लोगों ने जो मेरी चिंता की, उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे कुछ बातें साफ कर देनी चाहिए। आप सभी को वीडियो देखकर जो लग रहा है वो पूरा सच नहीं है। सच ये है कि मेरे घर में शादी थी और बारात में ज्यादा डांस करने के कारण मेरे घुटने की पुरानी चोट दर्द देने लगी। शो चूंकि जिस मसले पर था उसे मैं छोड़ना नहीं चाहता था और शो पूरी तरह से ठीक जाए, इसलिए मैंने पेन किलर खा ली। मतलब दीपक चौरसिया कह रहे हैं कि उनके घुटने में बहुत ज्यादा तकलीफ थी, उनकी पुरानी चोट, उनकी पुरानी तकलीफ शादी में डांस करने से बाहर आ गई, जिसको दूर करने के लिए उन्होंने पेन किलर खा ली। और आगे वो क्या बोलती हैं ये भी सुनिए। मेरी गलती ये थी कि पेन किलर ज्यादा मात्रा में लेने से साइड इफेक्ट होता है, ये बात मुझे नहीं पता थी, इसलिए पेन किलर खाकर मेरी तकलीफ कम होने के बजाय बढ़ गई। मतलब घुटने में अगर तकलीफ है तो उसका दिमाग में असर पड़ता है क्या। आगे सुनिए वो क्या कहते हैं। वीडियो देखकर तरह तरह की बातें बनाई गई जो सच नहीं है। मुझे पत्रकारिता में 25 साल से ज्यादा हो चुके, इसलिए मुझे किसी से पत्रकारिता की इथिक्स सीखने की जरूरत नहीं है। मैं अपने चाहने वालों से दिल से माफी चाहता हूं, साथ ही पिछले 3 दिनों से देश के कोने कोने से मेरी चिंता जताने वाले शुभ चिंतकों का आभारी हूं। आप लोगों का प्यार और सहयोग इसी तरह आगे भी मिलता रहे, इसी उम्मीद के साथ। चिंता, अरे नहीं चौरसिया जी, आप लोगों का प्यार और सहयोग इसी तरह आगे भी मिलता रहेगा, इसी उम्मीद के साथ। चिंता, अरे नहीं चौरसिया जी, आपकी तबीयत और आपकी हेल्थ से ज्यादा तो लोग वो वीडियो देखने के बाद आपकी नौकरी की चिंता कर रहे थे। अच्छा हुआ दीपक चौरसिया ने सफाई दे दी। तो चलिए, अब आपको पता तो चल गया कि अगर आपने ज्यादा पेन किलर ली तो आप जनरल बिपिन रावत को वीपी सिंह कह सकते हैं और जनरल को जर्नलिस्ट कह सकते हैं। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।